के चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम इकोनॉमिक्स वे में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमिक्स को डेवलप करता है उसके बारे में चैप्टर में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का ये दौर कंज्यूमर्स का वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास बहुत सी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की चॉइस है जो उनके पास पहले नहीं थी। आज लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ल्ड है वो आज वर्ल्ड के हर एक कोने में हमको देखने को मिलता है। हर मौसम में हमको, मतलब हर समय हमको न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स देखने को इंडिया में मिलते हैं। अब वो समय चला गया है जब सिर्फ सड़कों पर एम्बेसडर या फिएट ही कार इंडिया में चलती थी। आज इंडिया में हमारे पास कार खरीदने के लिए बहुत सी वैरायटीज़ हैं। टॉप कंपनीज वर्ल्ड की इंडिया में कारों के प्रोडक्शन पर लगी हुई है। इसके अलावा बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे गुड्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मल डे लाइफ में, चाहे वो टी शर्ट हो, टेलीविज़न हो या कि फ्रूट जूस। ये वाइड रेंजेस जो हमको गुड्स के लिए मिला है ये मार्केट के एक नए फिनोमिना के कारण मिला है। ये फिनोमिना जिसके कारण हमें आज वैरायटीज ऑफ गुड्स इंडियन मार्केट में देखने को मिलते हैं जो कि आज से 20 साल पहले तक नहीं थे। इन द मैटर ऑफ द ईयर आवर मार्केट हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म, और इन 20 सालों में हमारा मार्केट पूरी तरह से बदल गया है। तो ये जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो किस तरीके से आया, ऐसे क्या फैक्टर थे जिसके कारण ये बदलाव आया, ये चेंजेस ने किस तरीके से लोगों की लाइफ बदल दी, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। मिडिल ऑफ 20th century तक जो प्रोडक्शन है वो लार्जली कंट्री के अंदर ही होता था, पर कंट्री के बाउंड्री के बाहर से रॉ मटेरियल्स आते थे, फूड स्टफ आते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आते थे। खासकर कॉलोनियल रूल इंडिया में रॉ मटेरियल और फूड स्टफ इम्पोर्ट किए जाते एक्सपोर्ट किए जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए जाते थे। ट्रेड चैनल जो था वो लोगों को दूर दूर की कंट्रीज़ को जोड़ने का काम करता था, और ऐसी कंपनीज जो बड़ी कंपनियां थी उन्हें हम मल्टीनेशनल कंपनी या MNCs कहते थे। ये एक इमर्जिंग साइंस था जिसने सोसाइटी को बदलने में मदद करी। MNCs कंपनी जो है वो कंट्रोल करते थे प्रोडक्शंस में, ना कि एक नेशन में बल्कि एक नेशन से ज़्यादा, बहुत सी कंट्री में इनकी ब्रांचेस होती थी। ओके, MNCs जो है उनके ऑफिसेस, फैक्ट्रीज भी ऐसी जगह, ऐसी रीजन में अपना प्रोडक्शन करते थे जहाँ पे लेबर उनको आसानी से मिल सके, जहाँ रिसोर्सेज उनको आसानी से मिल सके। इस तरीके से वे अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते थे और MNCs जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकती थी। आइए इसे हम कुछ एग्जांपल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। ओके, है ना, तो एग्जांपल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। ये एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि जो लार्ज MNCs प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है ये डिज़ाइन किए जाते हैं रिसर्च सेंटर यूनाइटेड स्टेट में, और इसके कंपोनेंट जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना से। दिस और ये जो शिप होता है मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में, इसे प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट्स को सोल्ड किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है वो पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि इंडिया में भी लोकेटेड। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वर्क की, जो वर्क है कंट्री वो अलग अलग देशों में करती है। ओके, इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि MNC जो है वो सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स ही ग्लोबल मार्केट में
आसानी से बेचती है। वो गुड्स के साथ साथ सर्विस को भी ग्लोबली रेगुलेट करती है, प्रोड्यूस करती है। इसका रिजल्ट यही है कि प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ता है और इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शंस है, ये प्रोसेस है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग छोटी छोटी कंट्री में ग्लोबली डिवाइड, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, हमने एग्जांपल में देखा कि चाइना किस तरीके से एडवांटेज जो है वो चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस के लिए जाना जाता है। मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप जो है वो बिल्कुल मार्केट के क्लोज है, जहाँ से US, यूरोप और बाकी बड़े देश में वो ट्रांसपोर्ट करता है। इंडिया जहाँ पे हाईली स्किल्ड इंजीनियर है जिसने इन टेक्निक्स को सीखा, समझा और अपने प्रोडक्शंस में उन्होंने यूज़ भी किया। ठीक है, इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो एक कस्टमर केयर सर्विस के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ओके, इसके अलावा प्रोबेबली 50-60% तक जो कॉस्ट सेविंग वो एमएनसीज यहाँ कर सकती है। इसके अलावा एडवांटेज ये भी है कि प्रोडक्शन जो अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है उसमें मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। इंटरलिंक प्रोडक्शंस अक्रॉस द कंट्री, अगर हम जनरल भाषा में बोलें तो एमएनसी जो है वो प्रोडक्शंस जो है वो मार्केट में करना चाहती है, मार्केट के आसपास करना चाहती है। इसके कारण उन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो कि लो कॉस्ट में उनको अवेलेबल होते हैं वो मिल पाते हैं। इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी है जो एश्योर करते हैं कि उनका प्रोडक्शन अच्छा हो सके, जैसे एमएनसी गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी देखती है, जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी हो जो उनके इंटरेस्ट में काम करती हो। इसके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी। इसके अलावा वे एश्योर होते हैं कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी है, वहाँ की कंडीशन बढ़िया है। एमएनसीज जो है वो फैक्ट्री, ऑफिस प्रोडक्शंस ऐसी जगहों पे करना चाहते हैं जहाँ पे कंडीशन बहुत अच्छी हो। इसके अलावा वे अपना पैसा वहाँ पे एसेट खरीदने के लिए, मतलब संपत्ति को खरीदने में लगाते हैं, जिससे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट एमएनसीज के द्वारा किया गया तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनियां इस कारण करती है ताकि वे प्रॉफिट अर्न कर सकें। ऐसे समय में एमएनसीज जो है प्रोडक्शन वो जॉइंटली भी करती है। कुछ लोकल कंपनी है जिससे वे हाथ मिलाती है ताकि उस कंट्री में उन्हें आसानी हो प्रोडक्शन करने में। इसका बेनिफिट लोकल कंपनीज़ को भी मिलता है। इस जॉइंट फैक्टर से दोनों को फ़ायदा होता है। पहला ये कि एमएनसीज को सिर्फ पैसा लगाना होता है, इस पैसे ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो न्यू मशीन खरीदने के लिए लोकल्स कंपनीज़ की मदद करता है। सेकेंड, एमएनसी जो है वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी साथ लेकर आती है अपने, जिसका फ़ायदा लोकल कंपनीज़ को होता है। बट जो कॉमन रूट है एमएनसीज का वो यही है कि वे लोकल कंपनी को खरीद ले और उन्हें एक्सपांड करें। कंपनी एमएनसी जो है वो बहुत पैसा लगाती है ताकि वे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। जैसे अगर एग्जांपल हम ले लें तो करजल फूड, जो अमेरिका की एक एमएनसी कंपनी है, उन्होंने एक स्मॉलर कंपनी पारेक फूड्स को ओवरटेक किया, उनके साथ जॉइंट वेंचर किया। तो पारेक फूड का ऑलरेडी लार्ज मार्केट नेटवर्क बना हुआ था इंडिया में, जहाँ पे वे इंडिया में अपना फूड प्रोडक्ट बेचते थे। वो एक जाना माना ब्रांड था जिससे लोग जो थे उससे या उसके प्रोडक्ट्स खरीदते थे। पारेक फूड के 4 ऑयल रिफाइनरी थे जिसका कंट्रोल अब शिफ्ट हो गया करजल पर। अब करजल एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ईटेबल ऑयल इंडिया में बनाती है, जिसका प्रोडक्शन 5 मिलियन पाउच पर डे होता है। इसके अलावा एमएनसीज
का जो वेल्थ है वो भी एक्सीडिंग मतलब एक्सपांड होता है, इसका एंटायर बजट भी किसी भी डेवलपिंग कंट्री के गवर्नमेंट को जीडीपी में भी फ़र्क पहुंचाता है। जितनी ज़्यादा एमएनसीज आएगी उतना ज़्यादा पैसा लगेगा और इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। ये एक न्यूमरस वेल्थ जो होने के कारण बहुत ज़्यादा पावर और इमेज पावर जो है वो एमएनसीज के फेवर में रहता है। इसके अलावा एक अनदर वे जो है एमएनसीज जो है वो प्रोडक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे एमएनसी लार्ज प्रोडक्शन करता है, जो डेवलप कंट्री में जो एमएनसीज हैं वे प्लेस करते हैं ऑर्डर स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर को, जैसे कि गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स शूज़ है, स्पोर्ट्स आइटम है, उसको वे ऑर्डर देते हैं छोटी मोटी कंपनियों को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर जो है वर्ल्ड में उसे प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई होता है एमएनसीज को और एमएनसी उसको अपने ब्रांड के नेम से कस्टमर को बेचती है। ये जो लार्ज एमएनसीज हैं ये ट्रेमेंडस पावर भी डिटरमाइन करती हैं प्राइस को, क्वालिटी को, डिलीवरी को, लेबर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि वैरायटीज ऑफ वेज है जिससे एमएनसी जो है वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है। वे इंटरेक्ट करते हैं लोकल प्रोड्यूसर से, वेरियस ऑफ कंट्रीज जो है ग्लोबली उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वे पार्टनरशिप भी कर सकते हैं लोकल कंपनी से, लोकल कंपनी जो है वे एक सप्लायर के तौर पर वे सप्लाई करती है उनको बहुत सी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो उनके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। लोकल कंपनीज कई बार वे खरीद भी लेते हैं इन लोकल कंपनीज़ को। एमएनसी जो है वो एक्सपोर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दिस डिस्टिंग लोकेशन। वे ऐसे लोकल कंपनी को खरीद करके वे अपने प्रोडक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं, वे लोगों के पहुंच में करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सा पावर होता है, वेल्थ होता है लोगों को और छोटी मोटी कंपनियों को डेवलप करने के लिए। द प्रोडक्शन इन दिस वेराइड डिस्प्राइड लोकली लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक, और इस तरह से जो लोगों के बीच में मतलब इंटरलिंक जो है प्रोडक्शंस का वो बना हुआ रहता है। स्टूडेंट, आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।